पंजाब में फिजाई आलूदगी का जोर बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 तक पहुंच गया। गुजरांवाला, भावलपुर, साहिवाल और भावलपुर भी आलूदा शहर करार। कराची का आलूदगी में तीसरा नंबर। AQI लेवल 170 हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग से मुतालिक केस की समाप्त। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद मंगल को तलब। अदालत ने CTO का तबादला रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। स्मॉग के खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी। CTO की स्टॉक रिक्शों पर पाबंदी लगाने की तजवीज। पीपुल्स पार्टी का आज नौशहरा में सियासी ताकत का मुजाहरा। परवेज खटक के हुजरे के सामने जलसे के लिए पिंडाल तैयार। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खताब करेंगे। परवेज खटक के खानदान के अहम अफराद और PTI के रहनुमा पीपुल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि EVM जो है, ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि EVM जो है वो शफाफियत में रुकावट है। वजीर आजम सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी। EVM भी पूरी दुनिया में रिजेक्टेड है। हुक्मरानों ने 4 साल मुल्क में खिलवाड़ किया। मुल्क में मुआशी निजाम तबाह हो गया। हमदा शहबाज कहते हैं 2018 के इलेक्शन पर इख्तलाफात थे और रहेंगे। इमरान खान ने 126 दिन धरना देकर तमाशा लगाया। आवाम का वक्त जाया किया। अभी 2018 के इलेक्शंस की शफाफियत पर सवालिया निशान हैं और रहेंगे। इमरान नियाजी साहब ने कहा था कि 4 हलके खोलें और धरना दिया था, कौम का वक्त जाया किया था, 126 दिन तमाशा लगाया था। फिर हुकूमत आईनी तौर पर मुंतखब हुकूमत है। हम अपने आवाम को जवाब दे हैं, हम अपनी असेंबली को जवाब दे हैं, हम वफाकी हुकूमत को इस तरह जवाब दे नहीं है। सरकारी ऑफिसर्स के जो तबादले हुए हैं, 22 में से 12 को वफाकी हुकूमत किसी और सूबे में भेज रही है बगैर सूबाई हुकूमत के मशावरत के। कि जिंदगी में कभी यह हुआ हो कि गैस 3 लग जाएगी। हुकूमत ने गलत काउंटिंग की। सिंध से अफसरान को दूसरे सूबों में भेजा जा रहा है। हम आवाम और असेंबली को जवाब दे हैं, वफाकी हुकूमत को नहीं। सईद गनी की हुकूमत पर चढ़ाई। बोले वफाकी हुकूमत पत्थरों के जमाने में ले जा रही है। कभी नहीं सुना गैस दिन में 3 बार आएगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के वक्त गलत गिनती की गई। सर्दी अरूज पर नहीं आई, गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई। नए पाकिस्तान में गैस भी दवाई की तरह दिन में 3 बार मिलेगी। पीपुल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बेरोजगारी है। कम आमदनी वालों की मदद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 1 लाख घर जेरे तामीर हैं। 400 अपार्टमेंट्स कच्ची आबादी वालों के लिए मुख्तस किए। कोशिश है जितना किराया हो उतनी ही किस्त हो। वज़ीर आज़म का तकरीर से खिताब। इस्लामाबाद में फ्रास्ट टाउन अपार्टमेंट्स का दौरा। नरेंद्र मोदी हार गए, भारतीय किसान जीत गए। भारतीय वज़ीर आज़म ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए। तीनों ज़रई इस्लाहात की कवानीन वापस लेने का ऐलान। नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी भी मांग ली। किसान तंजीमों ने हुकूमती फैसले को किसानों की फतह करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन मुस्ताफी। गैर अखलाकी मैसेजेस स्कैंडल इस्तीफे की वजह बना। टिम पेन का नाजेबा मैसेजेस का एतराफ। मदाहों से माफी मांग ली। कहते हैं ये मुश्किल फैसला था लेकिन मेरी फैमिली और क्रिकेट के लिए बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पैट कमिंस के कप्तान बनने के इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक के जेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। 2 माह के लिए बुनियादी शराय सूद में इजाफा मतवक्के। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शराय सूद में 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक इजाफा हो सकता है। बहुत ताखीर हो गई है IMF से निगोशिएशन करते हुए और अभी तक कोई मामला तय नहीं पाया है और जिसकी वजह से मार्केट में एक
अनसर्टनिटी पैदा हुई है। पिछले साल के मुकाबले में पहले साल के चार महीनों में इस साल के चार महीनों में 65% बढ़ गया है, और पहले चार महीनों में इम्पोर्ट $25 बिलियन का हो गया है। इस हिसाब से साल के आखिर तक ये 75 बिलियन का हो जाएगा। हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात में बहुत देर कर दी। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है, तिजारती खसारा 65% से बढ़कर $25 अरब से भी तजावज़ कर गया। बाबा गुरु नानक का जन्मदिन, वज़ीर आज़म इमरान खान की दुनिया भर के सिखों को मुबारकबाद। हजारों सिखों को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद ट्वीट किया। सिख बिरादरी को मजहबी रस्मात के लिए सहूलियात फराहम करते रहेंगे। पाकिस्तान सिख यात्रियों का दूसरा घर है। पाकिस्तान का आईन तमाम अकलियतों को यकसा हुकूक की जमानत देता है। गुरु नानक ने भाईचारे और इंसानियत दोस्ती का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिख यात्रियों की शिरकत। ननकाना साहब में भी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, सिख यात्रियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। सिख यात्रियों के पाकिस्तान दौरे के लिए 10 दिन की पेश की इतला की शर्त में नरमी का फैसला। कोरोना की चौथी लहर मजीद 10 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 418 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.04%। गैर मुल्की उम्रा जायरीन के लिए नई शरायत। सिर्फ 18 से 50 साल के जायरीन को ही उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी के परमिट मिलेंगे। मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी। वजारत हज उम्रा का गैर मुल्की वीजे के लिए अपने मुल्क में लाइसेंस याफ्ता ट्रैवलिंग एजेंसी से राब्ता करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द। चित्राल, धीर, सवात, कोहिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्के। लह सर तरीन इलाका, दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। स्कर्दू में -4, जियारत कलाम कैलात में -3, अस्तोर गलगत में -2°C। कराची में भी सर्दी की दस्तक। कम से कम पारा 14°C तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द। चित्राल, धीर, सवात, कोहिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्के। लह सर्द तरीन इलाका, दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। स्कर्दू में -4, जियारत कलाम कैलात में -3, अस्तोर गलगत में -2°C। कराची में भी सर्दी की दस्तक। कम से कम पारा 14°C तक गिर गया।